हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं लेके आई हूँ बहुत इजी चार ऑर्नामेंट्स आइडिया, यानी क्रिसमस डेकोरेशन के लिए। क्रिसमस जो ट्री होता है उसको डेकोरेशन करने के 4 ऑर्नामेंट्स आइडिया मैंने लेके आए हैं। पहले वाला जो DIY है, इसके लिए मैंने ले लिया एक कूलर जैसा, एक कप जैसा मैंने ले लिया है। बेसिकली ये जो है ना, जो नर्सरी वगैरह में होता है वहाँ पे छोटा चारा लगाने के लिए यूज़ होता है। आपके पास ये नहीं है तो आप चाहे तो कूलर यूज़ कर सकते हो, उसके पीछे वाले पोर्शन में थोड़ा छेद कर लीजिएगा ताकि हैंग कर पाए उसके ऊपर। उसके ऊपर व्हाइट कलर से कलर कर दीजिएगा। बहुत बोलने जैसा सच कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए, हैंग करने के लिए मैंने इस पर डोरी लगा दिया। अब एक है, हम पॉम्पम लगाएंगे। पॉम्पम हम बहुत ईजी है। देखिए पॉम्पम हम कैसे कर रहे हैं। करने के बाद इसको हम स्टिक करेंगे, पर इसके अंदर का जो पोर्शन है बहुत खाली था, इसीलिए न्यूज़पेपर अटैच करके उसके ऊपर हम ऐसे पॉम्पम लगा देंगे। है ना, बहुत ईजी। ये बिल्कुल संटा जैसा लग रहा है। आप चाहे तो कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग भी रख सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़ा आइज भी लगा सकते हैं, दिखने में और भी सुंदर लगता है, पर मैं बहुत ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं किया है। इसी के साथ रेडी हो गया हमारा पहला DIY। कैसा लगा? चलते हैं सेकेंड DIY। इसके लिए हमने ले लिया पॉपस्टिकल। पॉपस्टिक हमारे घर पे तो इजीली मिलता है, नहीं है तो आप किसी भी स्टोर से खरीद सकते हैं। इसकी मदद से हम एक स्टार शेप बना लेंगे। स्टार शेप को स्टिक करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग ग्लू यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू यूज़ करूँगी। देखिए, अभी इसको स्टिक करने के बाद इसको हम कवर कर देंगे जूट रोप की मदद से। आपके पास थोड़ा जो पतला वाला जूट रोप होता है ना, वो है तब वो यूज़ कीजिएगा, अच्छे लगते हैं दिखने में। पर मेरे पास ना बहुत मोटा सा धब्बा वाला सा एक मोटा सा एक था, वो ही मैंने यूज़ कर दिया। बहुत सुंदर लगता है देखने में। और एक बात, आप लोग मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो लोग मेरे चैनल को ऑलरेडी देख चुके हैं उसको भी बोलेंगे सब्सक्राइब कर दीजिए। बिल्कुल फ्री है, आप लोगों का कुछ नहीं जाता है, पर मुझे काम करने में मोटिवेट मिल जाता है। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकन है वो भी प्रेस कर दीजिएगा। और मैं हर रोज़ कोशिश करती हूँ शॉर्ट्स देने के लिए, वो भी आप चेक करना ज़रूर। तो देखिए, यहाँ पे हम जूट रोप की मदद से ड्रैप कर देंगे। क्या बोलिए आपको, मैं बोला था ना बहुत इजी वाला आज DIY लेके आई हूँ, बहुत लास्ट मिनट वाला है, बहुत अफोर्डेबल भी है। आप देखिए कितना कॉस्ट लगता है इसको बनाने में। बहुत इजी है, आप कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए, अच्छे लगा तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। मेरे बाय द वे मेरा इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। देखिए आज का वीडियो कितना झटझट हो रहा है ना, इसीलिए इसी के साथ हम चले आए 3rd DIY के लिए। यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने ऐसे हाउस ड्रॉ कर लिया है। ब्राउन कलर की मदद से इसको हम कवर कर देंगे। कुकी हाउस जैसा बोलते हैं, मुझे एग्जैक्ट वर्ड तो पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, पर आई थिंक कुकी हाउस या फिर कुछ और भी नाम बोल सकते हैं। आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। और इसका जो बेस कलर है ऑलमोस्ट यही कलर का होता है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा कुछ कलर यहाँ पे यूज़ नहीं करूँगी, स्केच पेन की मदद से करूँगी। देखिए इसमें भी बहुत इजी है DIY, और बहुत सुंदर से आप डेकोरेट कर सकते हैं आपका जो ट्री है वो। देखिए आप, बहुत ईजी है। आप देखिए यहाँ पे और भी कलर हम कर देंगे, ये स्केच पेन की मदद से आप करेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह पर एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको हैंग करने के लिए बैक में हम एक जूट रोप अटैच कर देंगे। क्या आप लोग अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है? क्यों? वीडियो के यहाँ पे थोड़ी देर के लिए पॉज कीजिए और जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फोर्थ एंड लास्ट DIY, यहाँ पे एक कॉर्नेटो का आइसक्रीम मैं बहुत दिन पहले खा चुकी थी, और उसका जो कंटेनर था वो मेरे पास था, मैं उसको अच्छे से रख दिया था किसी DIY के लिए। इसका जो ढक्कन था उसको हम यूज़ करेंगे। पहले हम जिसे अप्लाई कर दिया, उसको सूख जाने के बाद यहाँ पे हम बेस कलर के लिए रेड कलर अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो क्रिसमस होता है वो तो होता ही रेड वाइट ऐसे कलर के ऊपर। तो ये सूख जाने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे हो हो हो,
इसके साथ ही रेडी हो गया हमारा लास्ट DIY भी। अब देखते हुए जाना फाइनल लुक। आपको और एक बात बोलूँगी कि मैं जो शॉर्ट्स देती हूँ ना वहाँ, उसमें भी बहुत सारा नया वीडियो भी है, तो वो भी आप चेक करना ज़रूर। क्रिसमस का छोटा छोटा वीडियो मैं शॉर्ट्स में डाल दूँगी, आप वो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही तक, मिलते हैं अगली संडे, तब तक के लिए बाय बाय। पर बीच में भी हम मिलते रहेंगे शॉर्ट्स की तरह।